हाय स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है इस एक्सरसाइज का. हमारा क्वेश्चन 6.2 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा. जैसे मैंने 3 बनाना भूल गया, ठीक है. तो इन फिगर 6.18 हमारा फिगर दे रखा है जिसमें LM पैरेलल है CB के. जो LM है ये वाली साइड, ये पैरेलल है इसके CB के या BC के. और वहीं दूसरी साइड LN है हमारा, जो LN है ये पैरेलल है हमारे CD के, ठीक है. तो हमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन में AB इज इक्वल टू AN अपॉन में AD. कैसे प्रूफ करेंगे? तो लेट्स डू दैट गाइस. सो सबसे पहले लेंगे हम ट्रायंगल ABC. सो इन ट्रायंगल ABC इसमें हमें क्या पैरेलल दे रखा है? LM पैरेलल है हमारे CB के. तो अगर LM पैरेलल है CB के, वी कैन से दैट कि AM अपॉन में BM बराबर होगा AL अपॉन में CL के. और इसका रीज़न होगा बाय BPT. BPT थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई लाइन है ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, ठीक है, तो जो दूसरी दो साइड्स होंगी, अदर दो टू साइड्स होंगी, वो आर इन द सेम रेशियो में होगी. यानी कि सेम रेशियो होगा उन दोनों का. यानी कि AM अपॉन में BM इज इक्वल टू AL अपॉन में CL होगा. सिंपल एज दैट. ऐसे ही आपको दूसरा ट्रायंगल लेना है. जो पिछले क्वेश्चंस किए हमने वो भी इसी तरीके से किए, इसी थ्योरम के बेसिस पे. दूसरा वो क्या है? ट्रायंगल ACD. सो इन ट्रायंगल ACD हमारी पैरेलल क्या है? LN पैरेलल है हमारे CD के. तो क्योंकि पैरेलल है, तो जो अगर ये दो साइड पैरेलल है, तो इनका जो रेशियो होगा AD और AC का वो सेम होगा, ठीक है. इस पॉइंट दो पॉइंट्स की वजह से LN और NL की वजह से हम कह सकते हैं AN अपॉन में DN बराबर होगा AL अपॉन में CL के. अगेन क्या रेशियो, क्या रीज़न होगा? अगेन BPT, ठीक है. तो ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अगर दोनों का इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, आप देखेंगे जो AM अपॉन में BM बराबर है AL अपॉन में CL के, AN अपॉन में DN बराबर है AL अपॉन में CL के. तो हम कह सकते हैं कि AM अपॉन में BM बराबर होगा AN अपॉन में DN के. क्योंकि अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों आपस में सेम है, देखो ये दोनों सेम है, यानी कि ये भी अपन सेम होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे. तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू हम कह सकते हैं AM अपॉन में BM इज इक्वल टू AN अपॉन में DN. अब क्या करना है? अब इसमें आपको एक ट्रिक यूज़ करनी है. वो क्या है? ऐड वन बोथ साइड. तो हमें वन को दोनों साइड में ऐड कर देना है. तो AM अपॉन में BM प्लस वन, एंड सिमिलरली AN अपॉन में DN प्लस वन. एंड नाउ यू जस्ट नीड टू गाइस सॉल्व दिस. AM प्लस BM हो जाएगा, ये BM इससे हो जाएगा, LCM लेके आपको सॉल्व कर देना है, और इक्वल टू BM हो जाएगा. वैसे ही AN ये DN इधर आ जाएगा, DN और अपॉन में DN आ जाएगा. सॉल्व करना आता आपको, ये आता होना चाहिए आपको, ठीक है. तो ये वो चीज़ हो गई. अब AM और DM क्या हमारा? तो आप देखेंगे AM एंड BM क्या हमारा? AB क्या है? AB तो हम बोल सकते हैं AB अपॉन में BM. वहीं आपको देखना है AN प्लस, अब आपको देखना है कि AN प्लस DN क्या है, ठीक है. तो अगर आप ट्रायंगल में देखेंगे AN प्लस DN, तो AN प्लस DN यानी कि AN
प्लस डी एन, इन दोनों को हम जोड़ेंगे आपस में तो क्या बनेगा हमारा ए डी। तो क्या हो जाएगा हमारा ए डी अपॉन में डी एन, क्या है डी एन का डी एन ही रहेगा सेम, और यही हमें प्रूफ करना था तो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सो या दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बस आपको तो थोड़ा ट्रिकी यूज़ करनी पड़ेगी लास्ट में, वन ऐड करना होगा, ये आपको याद रखना है स्टेप। सो या होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो गाइस, एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। टिल देन बाय बाय।